बहुत अच्छा मुशायरा आप लोग सुन रहे हैं और इतना बढ़िया सुन रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल कोमा में चले गए हैं। भाई बहुत अच्छी निजामत मंसूर उस्मानी साहब कर रहे हैं, सदारत जनाब मोहिबुल हक साहब, डॉक्टर कलीन कैसर साहब के आमंत्रण पर सारे कवि सारे रचनाकार यहाँ पधारे हैं। हम जब से आए हैं हमें संचालक महोदय सारे लोग बौखल बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। हमारी कविता में आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाएं। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के माहौल बना दो, ज्यादा देर तक मैं आपकी खोपड़ी नहीं पाऊंगा। बिल्कुल चौवा छक्का के खिलाड़ी हूँ, 20-20 निपटाऊंगा। अभी उनाजिया साहिब आ रहे कह रहे हमको नींद नहीं आ रही। अरे नींद नहीं रहे तो हेल्पा जो लाम लाल गोली खाओ सो जाओ। अच्छा ओके, नींद नहीं आ रही। सामने दादा उछल उछल के डेढ़ डेढ़ 3 बार चश्मा पूछे, ऐसा लग रहा कि आसाराम बापू जेल से निकल रहे। एक बार जोरदार तालियां आपके लिए बजा दीजिए। देखिए मुशायरे को यहीं से मुशायरा बना, ये सीटी कौन बजा रहा? सीटी ने बजाओ, हम विकास बौखल है। देखिए अगर मजा आ जाए बिल्कुल झौवा भर की बात कौवा भर में कहने जा रहा हूँ। ये दादा हमें कैसे लग रहे थे? अगर ऐसे लग रहे हैं केवल 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, जो लोग तालियां नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते हैं पूरी छूट। यही से मुशायरे को मुशायरा बनाना आनंद लेना। तुम्हारे इश्क का रोग लगा है, हे नहीं ताली बजती है यहाँ। कि तुम्हारे इश्क का रोग लगा है, मिल ले जाए हकीम से। तुम्हारे इश्क का रोग लगा है, मिल ले जाए हकीम से। और तुम्हारी सब आदत मिलती है बाबा हराम रहे। मन के साथ बड़े आनंद के, मैं ज्यादा देर तक खोपड़ी नहीं खाऊंगा। इधर वाले बिल्कुल खामोश लग रहा, नरेगा के मजदूर बैठे हैं। आप भी तालियां एक बार जोरदार बजा दीजिए, लगे कि मुशायरे में बैठे। बहुत अच्छा मुशायरा कर। देखिए ज्यादा देर तक मैं आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, बिल्कुल 20-20 में। अभी जब यहाँ आए मोतिहारी में उतरे तो हम रोडवेज के पास टहल रहे थे, ये हमारे अयूब वफा साहब है, वो कह रहे थे मैं हूँ लखा नंबर 1। ये बचपन से आशिक मिजाज है। ये बस अड्डे पे भी घूम रहे थे, देखा सामने एक सुंदर सी महिला बैठी, उसको घूर घूर के देख रहे थे। उसका पति पीछे से आया, बोला कहा तुमने कभी महिला नहीं देखी? अयूब वफा बहुत हाजिर जवाब है। इन्होंने कहा भाई साहब हमने महिला देखी लेकिन इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। फिर उसने इनको डांटा, कहा इतनी सुंदर महिला नहीं देखी? बोले भाई साहब सुंदर महिला देखी है लेकिन इतनी बढ़िया साड़ी पहने हुए हमने कभी इतनी बढ़िया महिला नहीं देखी। फिर उसने इनको डांटा, कहा तुमने सुंदर साड़ी में महिला नहीं देखी? वफा साहब बोले भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी है, और लेकिन अजीब बात तो यह है कि इसके साड़ी पे जो छोटे छोटे हवाई जहाज छपे हैं, इतने हवाई जहाज हमने किसी साड़ी में नहीं देखा। फिर उसने इनको टाइट किया, बोले तुमने कभी इस हवाई जहाज वाली साड़ी नहीं देखा? अयूब साहब का जवाब सुनना, आनंद लेना, ठहाके लगाना, तालियों का महोत्सव करना। इन्होंने कहा भाई साहब हमने सुंदर महिला भी देखी, सुंदर साड़ी में महिला देखी, साड़ी पे छपे छोटे छोटे हवाई जहाज भी देखे, लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि एक हवाई अड्डे पर एक साथ इतने हवाई जहाज उतर जाए, इतना बड़ा हवाई अड्डा नहीं देखा। एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए, लगे कि मुशायरा कवि सम्मेलन में आप लोग बैठे हैं ना। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, हालांकि हमारे यहाँ नाम बदले जा रहे थे तो हम डर के हमारे बिहार चले आए। अच्छा नाम बदले, अभी आसाराम बापू का नाम बदलने की तैयारी है, और जो बदला जाएगा उनका नाम प्रेम चौपड़ा रखा जाएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए, 4-4 मिसरा पढ़ता हूँ, बिल्कुल आनंद के साथ नस्ते के साथ सुनिएगा, ऐसा लगे कि मुशायरे में आप लोग बैठे हैं। सुनिएगा 4 मिसरे पढ़ता हूँ, जहाँ जहाँ आनंद आ जाए तो हमको भी आनंद आना चाहिए, कि आपको आनंद आ रहा, सुनिएगा आनंद लीजिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। चौथे पंक्ति में जोरदार तालियां आनी चाहिए, नहीं ये 4 पंक्तियां पढ़ के मैं ऐसे बैठ जाऊंगा जैसे पहली बरसात में कोई सरकारी छत बैठ जाती है। आनंद लीजिएगा। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा ना मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। जोरदार आलू मार्केट चेक कर रहे हैं कि पता नहीं पुराना आलू नए रेट में कैसे खरीद रहे हो आप। एक बार जोरदार तालियां बजा दो, मैं 4 पंक्तियां और भी लोग भाषा की पढ़ दूं, आनंद लीजिएगा। और उसके बाद मैं अपने उत्तर प्रदेश का चुनाव 2014 से लेकर के आज तक पढ़ूंगा, मजा आ जाए तो आनंद। मोबाइल सबके हाथों में है,
अक्सर गांव देहात में जहां जहां मोबाइल का नेटवर्क नहीं काम करता, बड़ी बड़ी घटना घटना होती है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकल गए। कि एक दिन काका के मोबाइल पर फोन आवा, नेटवर्क कम देख छत पे निकल गए। और छत पर घूम घूम दौरी दौरी बात करे, कुछ देर बाद मस्त बातन मपरी गए। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर नहीं ताली बजती है। कि भूल गए छत पर खड़े की जमीन पर, चलत चलत पूरी छत पार कर गए। और छत के खत्म हो तो बावा गोड़ खाले परा, मुंह भरा गिरे दोनों जबड़ा उखरी। और चलते चलते सिर्फ 8 पंक्तियां पढ़ता हूँ। उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव जल्दी में 2 साल पहले जो चुनाव हुआ, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। चुनाव का परिणाम भी सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि साल बीतगा भी उसके बाद उपचुनाव हुआ। उपचुनाव के साल बीतगा कुछ ना कीन है ओ को बनायो उल्लू नहीं ताली बजती है। के साल बीतगा कुछ ना कीन है ओ खूब बनायो उल्लू, और गोरखपुर के उपचुनाव मा पाए ने बाबा ठुल्लू। गोरखपुर के उपचुनाव मा पाए ने बाबा ठुल्लू, कि सीएम उप सीएम हारे चला न कौनो फंदा। सीएम उप सीएम हारे चला न कौनो फंदा, 2019 में बेची हो चाहे पकौड़ा। 2019 में बेचे हो चाय पकौड़ा अंडा, और काम टका के नहीं कह रहे, बात कह रहे लाख की, और जी बीबी का खुद छोड़े हुई बात तय कर रहे तलाक। तालियां जोरदार आनी चाहिए। छोड़े हुई बात तय कर रहे तलाक की, एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे। एंटी रोमियो घूम रहे हैं गांव गली चौबारे, और प्यार मोहब्बत तो कह जाने जी खुद परे कुआरे। प्यार मोहब्बत तो कह जाने जी खुद। अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ, विदाई की तालियां दीजिएगा, जोरदार समर्थन करिएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्यार मोहब्बत तो कह जाने जी खुद परे कुआरे, कि कतने हत्या बलात्कार भे ना बिगड़ा कुछ खेल मा। कतने हत्या बलात्कार भे ना बिगड़ा कुछ खेल मा, एक हिरन के चक्कर में यहां मियां पहुंच गए जेल।